क्या हो रहा है जुमेल साहब? गन्ने खाने का मजा ही कुछ और। कतरी का ही है, कपड़े चाहो तो छिलका छिल लें। बिल्ली ही बनता गन्ने कैसे लगाए जाते हैं, तो इसके लिए हमने गन्ने लिए हैं। जो भी आप गन्ना देखें, ये देखें एक रेड वैरायटी का गन्ना है, तो इसमें देखें साइडों से इसकी ये कोपलें निकल रही हैं, इस साइड से भी निकल रही है। तो इसका लगाने का तरीका ये होता है कि आप इसको इस तरफ से कोपल निकल लिए, इतना पीस आप इसको निकाल लें। आप चाहें तो इसको पूरा गन्ना इस बात का ख्याल रखें कि जो कोपल है ये ऊपर की साइड पर होनी चाहिए ज़मीन पे, जब भी जहाँ पे भी आप लगें, ताकि ये यहाँ से कोपल ऊपर की तरफ निकले। तो अभी तो हम ज़मीन में डायरेक्ट नहीं लगा रहे, पहले हम इसको छोटे पॉट में लगाएंगे। जब इसकी कोपल निकल जाएगी, छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे, तो फिर उसको ज़मीन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए ये हमने स्टायरोफोम के कप लिए, इसमें मिट्टी डाल के और इसमें एक छोटा सा पीस काट के इंडिविजुअली लगाएंगे। तो जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 4-6 इंच, तो फिर इसको हम ज़मीन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम सारा इसको आप प्रोसेस दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये गन्ने की यहाँ पर ये कोपलें निकली हुई है, ये यहाँ पर निकली हुई है, तो इसको यहाँ से आप काट सकते हैं और इतने पीस को काट के और इंच कप में लगा दें। देखें एक ये गन्ना है, इसकी तो बहुत बड़ी बड़ी कोपलें निकली हैं, तो मैं खास से इसको लगा दें। ये देखें इसकी बड़ी कितनी बड़ी कोपल निकल गई है, ये भी निकल रही है, इसमें से ऑलमोस्ट ये छोटा सा पौधा भी निकल रहा है। तो हम इनको इतने पीस काट के और फिर इसको लगाएंगे। तो आइए इसको काटते हैं पहले। तो बेसिकली आइडिया ये है कि इतना छोटा सा पीस जो कोपल है, इसके आधा इधर से, 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से काट लें, ताकि ये इसके कप के अंदर पूरा फिट हो जाए। बात का ख्याल रखें, अपने हाथ का ख्याल रखें। टेबल का भी ख्याल रखें। ये देखिए इस तरह का एक पीस ले लिया आपने। मेक श्योर करें जो भी आप पॉट ले रहे हैं उसके अंदर ये पूरा फिट हो जाए, आ जाए थोड़ा सा ये, और इसको आ गया इसके अंदर ऐसा परफेक्ट साइज। और इसके बॉटम में छोटा सा एक सुराख कर लें, ताकि एक्सेस पानी जो इसके अंदर जमा ना हो बल्कि ड्रेन हो जाए, अगर आप थोड़ा सा एक्सेस पानी हो जाए तो। इसके अंदर कोई भी अच्छी कंपोस्ट सॉइल डालें, इसके अंदर अच्छी कंपोस्ट डाल ली। आधा तकरीबन इतना हो गया कि ये इसके अंदर पूरा डिप हो जाए। इसको पूरा ज़मीन के अंदर दबाना नहीं है, बल्कि इसको मैं दिखाता हूँ आपको,
अच्छी तरह दबा रहे हैं ताकि इसके अंदर कोई हवा एयर पॉकेट्स वगैरह रह गए हैं तो निकल जाए। ये मैंने इसके अंदर लगा दी, आपको करीब से दिखाता हूँ। इसके ऊपर से ये कॉपर लगी थी थोड़ी सी निकली हुई, बाकी सारा इसका अंदर दबा दिया और इसको थोड़ा सा, क्योंकि अब ये सारा जो कंपोस्ट और मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई है, इसको पहले अच्छी तरह, पहली दफ़ा हम पानी दे रहे हैं तो अच्छी तरह पानी देंगे ताकि अच्छी तरह अंदर तक नरम हो जाए, गीला हो जाए। उसके बाद एवरी डे इसको हल्का सा नाम रखना है, इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पहली दफ़ा हम इसको इसलिए ज़्यादा पानी देंगे कि बिल्कुल अंदर तक सूखा हुआ है, ये अंदर तक अच्छी तरह गीला हो जाए। पानी दे दिया, नीचे से निकलना शुरू हो गया, इसका मतलब ये अच्छी तरह गीला हो गया अंदर तक। इसको अभी डायरेक्ट धूप में ना लगे क्योंकि अभी ये नया लगा है, इसको हम शेडेड जगह पे रखेंगे, जब इसमें से अच्छी खोपले निकल आएंगे फिर इसको बाहर मूव करेंगे। तो आइए एक ये जिस तरह हमने बनाया है एक पॉट, इस तरह के हम चार छः और बना लेते हैं। देखिए ये भी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, ये भी अच्छी है, जो भी अच्छी देखें आप बड़ी और अच्छी हैं उनको आप निकाल के लगा सकते हैं। कर रहा हूँ कि इसकी ये ख़राब ना हो, जो ऑलरेडी इसकी ग्रोथ हो चुकी है इसके अच्छे चांसेस हैं पौधा बनने के, जल्दी जल्दी डेवलप हो जाएगी इसकी ग्रोथ। इसको दबा दें ताकि अंदर कोई खाली जगह ना रहे। और इसको पानी
ये देखिए, ये हमने दो लगा दी हैं, होपफुली ये जल्दी निकलेगा। तो ये देखें इसमें से ऑलरेडी निकल रहा है, इसकी देखें एक अच्छी कोंपल है। बाकी जो गन्ने बच जाए आप खा भी सकते हैं, यहाँ से मैं पीस निकाल लूँगा। ये हमने तीन बना दिए, आप चाहें तो और बना सकते हैं। अच्छी साथ रहिएगा, अपडेट रखेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे लगाए जाते हैं।